महोबा जिले की पुलिस ने 16 साल से फरार आरोपी को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी पिछले 16 सालों से जिले में ही अपना भेष बदलकर अवैध शराब बेचने का कारोबार कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बेड़िया और चंद्रपाल सनाप शिव बालक बेड़िया, ये पहले 2003 में पकड़ा गया था, चोरी की योजना बनाते हुए पूरा गैंग पकड़ा गया था। उसके बाद जब से जमानत पे आया तब से 2003 के बाद फरार था। ये अपना भेष बदल के गंज में रहने लगा था, थाना कमरई क्षेत्र में। कल इसका वारंट माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया और उसमें फरारी की घोषणा वाला भी पत्र 82 भी जारी की गई थी। उसके बाद हम लोगों को मुखबिर ने सूचना दिया कि ये हमीरपुर चुंगी के पास खड़ा है, तो इसी पे हम लोग जाके इसके दबी दी, इसको पकड़ा गया। तो इसने अपना नाम पप्पू बेड़िया ही बताया और साथ में इसके जो साथ में ये शराब बेचने का धंधा करता था, तो शराब इसके बाद शराब भी बरामद हुई। लगभग सर कितने वर्षों से था ये? लगभग ये 15 बेड़िया तब से फरार चल रहे थे। हमें कोई गिनती नहीं, हम पढ़े नहीं है साहब। लगभग कई साल हो गए? हमें कोई अंजाद ही नहीं है। वकील साहब हमसे बोले कि जा तुम्हारा केस खत्म, हम चले गए दिल्ली कमाने। जो बाल कैसे बड़े हो गए? बाल वही अपन कर लिए बड़े बड़े। बुढ़िया बदल लिया? बुढ़िया नहीं बदले, ये चाबी गुच्छे उच्छे लगा दिए थे। पुलिस ने जबरदस्ती पकड़ के दारू पिए थे, हम यहीं टाकी से पकड़ा था हमको। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। वो तो पहले से यहाँ थाने में बैठे थे, उन्हीं के संग हमको भी। नाम नोट कर लेना, कौन किसकी है? चंद्रपाल काय में जेल गए थे। पप्पू और चंद्रपाल।